ऑडियंस ऑडियंस में यस यस ऑडियंस आएगा तो टाइम बढ़ा दें यस राजा का टाइम यस क्योंकि आपके लिए मीटिंग हो रही है अगर आप भी नहीं समझोगे तो बाकी की मीटिंग की जरूरत नहीं है आपको मोटिवेट होना है आपको फील्ड में काम करना है क्यों रिएक्शन कर रही है नहीं मालूम है बाकी जो फील्ड में लोगों को क्यों मालूम है तो क्यों का जरा परिभाषा बता देते हैं जो क्यों जिसको मालूम है आज आपको भी क्यों मालूम हो जाएगा एक डॉक्टर को क्यों मालूम है इसलिए डिस्पेंसरी में दिन भर बैठता है एक मास्टर को क्यों मालूम है कि हम ड्यूटी करें तो तनख्वाह मिलेगी इसलिए वो सर्दी और गर्मी नहीं देखता है वो अपनी ड्यूटी करता है एक पुलिस वाले को क्यों मालूम है कि अगर हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा इसलिए वो 10 किलो की राइफल हर वक्त टांगे रहता है बूढ़ा भी हो जाता है तभी टांग कर हर वक्त रखता है उसको एक मिनट इधर उधर नहीं रख सकता बूथ चढ़ाता है जो सूट चढ़ाता है उतारता नहीं है क्योंकि उसे क्यों मालूम है क्योंकि हम अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमको तनख्वाह नहीं मिलेगी इंजीनियर को भी क्यों मालूम है पायलट को भी क्यों मालूम है बस चलाने वाले को भी क्यों मालूम है वो ये नहीं बोलता कि थक गए बहुत लंबा सफर है यार छोड़ो गाड़ी नहीं चलाएंगे पायलट ये नहीं कहता क्या यहां से वहां करते रहे छोड़ो इसे नहीं चलाएंगे मास्टर कहे कितना दिन तक पढ़ाते एक ही बात तो रहेंगे छोड़ो नहीं करेंगे तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी ये छोटी छोटी तनख्वाह वाले लोगों को क्यों का पता है इसलिए उनको जो भी तकलीफ होती है वो तकलीफ को तकलीफ नहीं समझते हैं उनको तो अच्छा लगता है लेकिन रिएक्शन वाले को अगर क्यों जिस दिन मालूम हो जाएगा क्योंकि आप यहां करोड़ों रुपया कमाने के लिए आए हैं तो आपको भी कोई मार्केट में तकलीफ नहीं होगी कोई कुछ भी बोलता रहेगा आप आगे बढ़ते रहोगे आप चलते रहोगे एक लड़की के बाप को क्यों पता है आपका तो आदमी नहीं मिलता मिलेंगे सबके सब नहीं मिलेंगे सब मिल जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा हमको तो 10% लोग चाहिए 90% बाकी काम करें फिर हम लोग का काम सब ठप हो जाएगा हम लोग की गाड़ी कौन चलाएगा अकाउंटेंट कौन रहेगा बहुत सारी चीज है कौन देखेगा सर ये सब तरह की बातें हैं तो सब लोग अमीर नहीं बनेंगे लेकिन 10% लोग बनेंगे तो एक लड़की के बाप से पूछो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए निकला ढूंढ रहा कई घर गया कई पैर भी लगाया कई जगह से गया कितनी बार बात किया 1 साल हो गया लड़का नहीं मिला क्या कहा वो कि अब लगता है कि मेरी बेटी के नसीब में लड़का नहीं है ऐसा कहा नहीं। दूसरे साल फिर ढूंढा तीसरे साल फिर ढूंढा उसको मालूम है कि जब लड़की पैदा हुई है तो इसका जोड़ा भी कहीं ना कहीं है वो बात और कभी हमको नहीं मिल रहा है वो ढूंढता रहा एक दिन उसको जोड़ा मिलता है कि नहीं मिलता कभी वो छोड़ा कि नहीं अब नहीं मिल रहा है 2 साल से थक गए काफी पैसा खर्चा किया इसलिए आप लड़का मिलेगा ही अगर ये क्यों आपको पता चल जाए तो आपको भी डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा ढूंढते रहो उस जरूरतमंद तक आप जा नहीं पा रहे हो इसके बहुत सारे फॉर्मूले थे जो हम अब नहीं बता सकते हैं टाइम पर टाइम दिखाया जा रहा है लेकिन एक शेयर में निचोड़ सब कुछ कहना चाहेंगे इस शेयर में सब कुछ है अगर इसको आप समझ लें तो बाकी कोई मीटिंग देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मेरे चाचा जी कहीं पर है वो कहें दोबारा इरशाद हो वो बहुत पहले सुने थे वो उसको ध्यान से समझिए आप लोग मंजिल को मुश्किल समझते मंजिल कराना बेजर है ना हर की मंजिल होती है लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं हम मुश्किल को मंजिल समझते हैं बहुत फर्क है आप में और हम में बहुत फर्क है आप में और हम में लोग अपनी जिंदगी को दर्द और हम दर्द को जिंदगी समझते हैं जिंदगी बना लीजिए और दर्द को जिंदगी बना लीजिएगा फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है आप ही मेरे साथ साथ 2020 में साथ दीजिए हम आपका साथ देंगे सिर्फ हम अगर निकाल कर लेकर आएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि एक अमीर आदमी बन जाता है उसके घर के बगल में सब गरीब रहते हैं तो उसका अमीरी शोभा नहीं देता इसीलिए हम यूपी से भी चाहेंगे महाराष्ट्र से भी चाहेंगे सभी लोगों से चाहेंगे कि हम अगर 20 निकाल रहे हैं तो आप 21 तो निकालो और लास्ट बात इस बार एक चीज आपसे आप जो मिन्नत है हमारी रिक्वेस्ट है सभी लीडर से जितने भी लीडर यहाँ पे आए हैं तो इस बार मेरी झोली में कुछ तो भर देना है इस बार आपसे झोली में मांग रहे हैं कि अभी डॉक्टर लीम आने वाले हैं यहाँ और अब तक हम लोग वो 2020 आने से पहले अभी मात्र हम लोग 2 करोड़ पीछे चल रहे हैं इंडिया अगर सभी लोग आज से हम लोग लग जाए और 2 करोड़ को मेंटेन कर दें तो डॉक्टर लीम का फूल माले से स्वागत जो है प्रोफेसर करेंगे हम लोग तो 20 करोड़ से स्वागत करेंगे
स्वागत में कुछ लेकर यहाँ आए हैं, इसीलिए इस बार एक दिन भी नहीं बैठना है, और वो 27 तारीख 28 तारीख आने से पहले पहले पूरा हिंदुस्तान हम लोग मिलकर एक बार जोर लगाकर 20 करोड़ पहुंचा दो, आपका जितना घटेगा वो हम लोग बिहार वाले पूरा कर देंगे। जोरदार तालियां।